बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की सोशल स्टडीज़ ग्रेड वन की किताब, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और आपका समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में हेल्प देंगे, जबकि आपका रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रिंसिपल के लिए बच्चे को सबक बेहतरीन तरीके से समझाने में मदद देगा। हमारा समर पैक और हमारा रिसोर्स पैक आपको कैंटब की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। तो आज हम देखते हैं हमारा लेसन क्या है। सोशल स्टडीज ग्रेड वन के लेसन फाइव का आज हम लास्ट लेक्चर देखेंगे। हमारा लेसन फाइव था प्लेस टू लिव, और उसके SLOs हमारे पास थे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ होम, आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज। हमने इन SLOs को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग के थ्रू अचीव किया। उसके बाद हमने अपने पिछले लेक्चर में इसको राइटिंग के थ्रू अचीव करने की कोशिश की। आज भी हम इसी स्किल को प्रैक्टिस करेंगे। हमारी वर्कबुक और हमारे समर पैक में जो बाकी हमारे पास एक्सरसाइजेज रह गई हैं, उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप अपने समर पैक पर आएँ। अपने समर पैक का पेज नंबर 25, यहाँ पर आपके पास है एक्टिविटी नंबर 3। इस एक्टिविटी में आपने पिक्चर्स को देखना है और नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखकर अपनी ब्लैंक को फिल करना है। आपका पहला ब्लैंक है माय ग्रैंडफादर नेम इज़, आपके ग्रैंडफादर उनका नाम जो भी है यहाँ पर आपने लिखना है। अगर आपके ग्रैंडफादर का नेम अली है या कुछ भी है तो आपने यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर का नेम लिखना है। इसी तरह से आप नेक्स्ट पिक्चर में देखना है और उसके बाद माई ग्रैंड मदर नेम इज़, यहाँ पे आपने अपनी ग्रैंड मदर का नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी मदर का नाम, अपने फादर का नाम, अपनी बहन, अगर आपकी बहन एक या एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आप ब्लैंक में उनका नाम और नीचे भी बेशक स्पेस में आप यूज़ करके उनका अपनी बहनों का नाम लिख सकते हैं। इसी तरह से अपने भाई या भाई ज़्यादा हैं तो उनका नाम आप इस ब्लैंक में, और अगर आपके पास स्पेस का इशू है तो यहाँ पर नीचे स्पेस में आप अपने दूसरे भाई का नाम भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपने इस एक्टिविटी को अपने फैमिली मेंबर्स जिनका आपसे सिर्फ पूछा गया है उनका नाम लिखकर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास समर पैक की एक्टिविटी 5 है, जो कि हमारे पेज नंबर 27 पे है। सवाल पढ़ने से पहले आप गौर करें कि यहाँ पे आपको एक तस्वीर दी गई है। उस तस्वीर पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको वो तस्वीर थोड़ी मैसी लगेगी। कुछ चीज़ें आपको बिखरी लगेंगी इस तस्वीर में, कुछ चीज़ें आपको अपनी जगह पर ठीक लगेंगी। ये एक्टिविटी आपकी पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के स्किल को देखकर उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए बनाई गई है। तो आए देखते हैं इस एक्टिविटी का सवाल हमारे पास क्या है। सी द पिक्चर एंड मार्क व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस पिक्चर। सी द पिक्चर एंड मार्क, आप इस एक्टिविटी को करने के लिए अपने किसी पेरेंट, किसी गार्डियन, किसी बड़े की हेल्प भी ले सकते हैं। तो हमारे पास हमारी एक्टिविटी क्या है, सी द पिक्चर एंड मार्क व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस पिक्चर। इस तस्वीर को गौर से देखें और पहचानें कि इस तस्वीर में क्या गलत लग रहा है आपको, आपके नज़दीक इस तस्वीर में क्या गलत है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको इस तस्वीर में गलत लगेंगी, मैसी लगेंगी। अगर मैं किसी एक चीज़ को ख़ुद से मार्क करूँ आपको समझाने के लिए, तो देखें जिस तरह यहाँ आप फ्लोर पर देख सकते हैं किताब गिरी हुई है, तो मुझे ये किताब गिरी हुई ठीक नहीं लग रही। किताब को अपनी जगह पर होना चाहिए, या उसको टेबल पर, या उसको अपने बुक शेल्फ में, या आपके बैग में होना चाहिए। ये आप देखें कि किताब आपके फ्लोर पर गिरी हुई अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने इस चीज़ को मार्क किया, क्योंकि ये एक गलत बात है, एक गलत हरकत है जो आपके घर को, आपकी चीज़ों को मैसी और गंदा, अनक्लीन शो कर रही है। इसी तरह से आप तस्वीर को गौर से देखें और पहचानें कि आपके नज़दीक और इस तस्वीर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अनक्लीनलीनेस को शो कर रही हैं, और उन चीज़ों को मार्क करके इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। अगर आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो अपने पेरेंट्स या गार्डियन, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो आए हम अपना पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है विद होम वी लिव इन आर होम। हम अपने घर में किन के साथ रहते हैं? क्या हम अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, अपने हमसायों के साथ रहते हैं, अपने घर वालों के साथ रहते हैं?
हम जिनके साथ भी अपने घर में रहते हैं या आप जिनके साथ भी जिन लोगों के साथ अपने घर में रहते हैं वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली, आपके नेबरहुड, आपके जो भी हैं आपके, आप यहाँ पर अपने जवाब में लिखें कि आप अपने घर में किनके साथ रहते हैं। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स आर देयर इन योर होम। आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं? आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके पास हैं, आपने यहाँ पे अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ होम, घर क्या है? तो आपके नज़दीक घर क्या है, आपने यहाँ पे अपना जवाब लिखकर बताना है। हमारा अगला सवाल है, हाउ डू यू फील इन एट योर होम। जब आप अपने घर में होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, क्या आप अच्छा महसूस करते हैं या आप बुरा महसूस करते हैं? आपको अपने घर में जैसा भी फील होता है, यहाँ पे आपने अपना आंसर लिखकर बताना है। हमारे पास हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं हमारी वर्कबुक से। अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 18 देखें, उस पर क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इस क्वेश्चन का स्केल भी पिक्चर रीडिंग ही है। यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं, इन तस्वीरों को देख के पहचानिए कि आप वो कौन कौन से काम करेंगे जिससे आप अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। हमारा सवाल यही है हमारे पास, आइडेंटिफाई द वेज थ्रू विच वी कैन कीप आर हाउस क्लीन। इन तस्वीरों में से उन कामों को पहचानिए जिनको कर कर हम अपने घर को साफ रख सकते हैं। जिस तरह आप ये पहली तस्वीर देखें, यहाँ पर बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से पौधे उगा रहा है, पौधा लगा रहा है। यहाँ पर आप, अगर आपको ये मैनर अच्छा लग रहा है, जिस तरह अगर हम आपके लिए सॉल्व करें, तो पौधे लगाना और इस तरह से सफाई के साथ पौधा लगाना आपके घर को साफ सुथरा रखता है और आपके घर का माहौल अच्छा बनाता है, तो आपने इसको मार्क करना है। उसके बाद अगली आप देख सकते हैं, बच्चा कीचड़ में बुरी तरह से लथपथ है, बुरी तरह से उसने अपने कपड़े कीचड़ में ख़राब कर रखे हैं। क्या इससे आपका घर साफ़ रहेगा? अगर आपको लगता है इससे आपका घर साफ़ रहेगा तो आप यहाँ मार्क करें, अगर आपको लगता नहीं रहेगा तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद आप देखें, बच्चे ने खेलते हुए अपने घर का शीशा तोड़ा, क्या ये घर को अच्छे से मेंटेन करने में, घर को साफ रखने में, घर को बेहतर तरीके से रखने में, क्या ये आपके लिए बेहतर हेल्पफुल है? अगर आपको लगता है यस, तो आप यहाँ पे टिक करें, अगर नहीं तो आप इसको इसी तरह ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद इस तस्वीर में आप बच्चे को सफाई करते हुए देख रहे हैं, ये बच्चा फ्लावर पॉट में से उसने सारे पौधे बाहर निकाल लिए हैं और इर्द गिर्द अपने मिट्टी भी गिराई है, तो क्या ये एक अच्छी हरकत है? तो आपका जो भी जवाब है आप इन दिए गए बॉक्सेस में मार्क करके बताएं। और इसी तरह से आप इस बच्चे को देखें कि वो किस तरह से अपने बेड को साफ कर रहा है, अपने सोने की जगह को क्लीन कर रहा है, तो क्या ये एक अच्छी आदत है? अगर हाँ तो आप इस बॉक्स को मार्क करें, अगर नहीं तो इसको इसी तरह से ब्लैंक छोड़ दें। इस सवाल के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द सर्कल्स ऑफ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको दो MCQs हमने दिए हैं, इनमें से पहला हमारा MCQ है, कीपिंग आर हाउस क्लीन इज अ, घर को साफ सुथरा रखना कैसी आदत है आपके नज़दीक, क्या ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? आपका जो भी दोनों में से आंसर है आप सर्कल को फिल करके अपना आंसर बताएं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, द हाउसेज इन सिटीज आर मेड अप ऑफ, शहरों में घर किस तरह के बने होते हैं, क्या वो मिट्टी से बनते हैं या सीमेंट से बनते हैं? तो शहरों में जिस तरह से भी घर बनते हैं, आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर अपना आंसर बताएं। तो इस तरह से आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ और हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।